नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। बिहार के राजधानी पटना में 14 पॉइंटों पर ANPR सिस्टम लगाया गया है। ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन। इस सिस्टम के जरिए नंबर प्लेट अपने आप पढ़ी जा सकते हैं और पटना में प्रवेश करने वाली जो भी गाड़ियां हैं उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। आपको ये खबर मैं विस्तार से बता देती हूँ। शहर के 14 पॉइंट पर वाहनों का नंबर अपने आप पढ़ने वाला ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगाया गया है। इस सिस्टम में सड़क पर लगे कैमरा अपने सामने से गुजरने वाले वाहनों की नंबर प्लेट पर अंकित नंबरों को अपने आप स्कैन कर कंप्यूटर की सहायता से उन्हें पढ़ लेंगे, साथ ही उन्हें अपने मेमोरी कार्ड में भी रख लेंगे। इससे शहर में आने जाने वाले वाहनों को तुरंत ढूंढा जा सकता है। और क्योंकि सिस्टम में लगे सॉफ्टवेयर से सभी कैमरे जुड़े होते हैं और इसका प्रोसेसर विभिन्न कैमरों द्वारा अंकित आंकड़ों का एक साथ विश्लेषण करने में समर्थ होता है, फरवरी में यह सिस्टम 5-5 कर बारी बारी से चालू किया जाएगा और इस्तेमाल में आने लगेगा। ANPR सिस्टम में लगा कैमरा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को तो बखूबी पढ़ ही सकता है, साथ ही साथ इसके साथ सामान्य नंबरों को भी पढ़ सकता है। केवल फैंसी नंबरों को यह पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि दर्ज नंबरों का जो आकार अधिक होने से यह कंप्यूटर में दर्ज आंकड़ों में से मैच नहीं करते हैं। लिहाजा ऐसे नंबर प्लेट लगे वाहनों को इसे ट्रैक करना संभव नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि ANPR कुल 25 पॉइंट पर लगाना है, जिसमें से 14 पॉइंट पर लगाया जा चुका है और 11 पॉइंट पर इसे अप्रैल तक लगा दिया जाएगा। 5-5 कर लगाया जाएगा इसको। फरवरी महीने से 5-5 कर विभिन्न पॉइंट पर लगे ANPR को चार्ज किया जाएगा और जून तक सभी 25 सिस्टम को चालू कर दिया जाएगा। 13 पॉइंट पर लगे वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहर के 15 पॉइंट पर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले लगाए जाने हैं। इसमें से 13 पॉइंट पर इन्हें लगा दिया जाएगा। 3 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े इन डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड का इस्तेमाल लोगों तक जनहित वाली सूचनाओं को पहुंचाने के लिए किया जाएगा, जैसे कि कोरोना जैसी बीमारियों से बचाव के लिए इसको यूज किया जाएगा। साथ ही जो भी सफाई रखने के लिए अपील की जाएगी लोगों से। और मैं आपको बता दूं कि ये जो ANPR सिस्टम है ये कहाँ कहाँ लग चुका है, क्योंकि ये 14 जगहों पर अभी लग चुका है, 25 जगह पर लगनी है। तो इसमें उन 14 जगहों का मैं आपको नाम बता देती हूँ। एम्स गोलंबर पर ये लग चुका है, खगौल मोड़ पर, पटेल भवन के सामने, IPS मेस मोड़ के सामने, JP सेतु के सामने और रुपेशपुर पुल के पश्चिम किनारे पर, दिनकर गोलंबर पर पहाड़ी और राजा पुल के पास, अटल पथ में आर ब्लॉक के पास, दीदारगंज चेक पोस्ट के पास और अटल पथ गोलंबर दीघा आयुक्त कार्यालय के पास भी। तो ये जो ANPR सिस्टम है ये पूरे 25 जगह तक लगने हैं, जिसमें से 14 जगह पे लगा जा चुके हैं और 11 जगह पे अभी लगना बाकी है। और बाकी जो लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए एक डिस्प्ले सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिसमें लोगों तक है जो मैसेज पहुंचाए जाएंगे उनके हित के लिए, जैसे सफाई के बारे में उन्हें बताया जाएगा और कोरोना से कैसे बचाव करना है ये भी उस सिस्टम के जरिए, उस डिस्प्ले सिस्टम के जरिए उन्हें बताया जाएगा। और ये जो ANPR सिस्टम है और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन जो सिस्टम है, इसके जरिए पटना में जितने भी गाड़ियां प्रवेश करेंगी उन सभी के बारे में जानकारी उनके पास होगा, जिससे कभी कुछ होता है, अगर कभी कोई क्राइम होता है तो वो उससे जानकारी निकाल सकते हैं। तो इस खबर में इतना ही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।